जय माता दी गाइस, बहुत बहुत स्वागत आपका अभी एलेक्स व्लॉग्स पर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और आज हम जाने वाले हैं शीतला माता मंदिर, क्योंकि आज है त्यौहार शीतला माता जी का। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसके बारे में बताता रहूंगा, पर उससे पहले होते हैं रेडी और आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो गाइस मैं फाइनली हो चुका हूँ रेडी, बट घर वाले भी तैयार हो रहे हैं। जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मैं आपको शीतला माता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। होली से अगला जो भी सोमवार आता है, जो जो सा भी नेक्स्ट मंडे रहेगा, उस दिन हमारे घर में शाम में माता का प्रसाद बनता है। उस प्रसाद में क्या क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। नमकीन पूड़ी, आलू वाली, गुलगुले, मीठे पूड़े, लस्सी, ये सब प्रसाद बनता है हमारे घर पे। और हम नेक्स्ट डे पूरी रात रखने के बाद नेक्स्ट डे जब ये बासी हो जाता है तो शीतला माता के वहां जाते हैं, इसीलिए इस त्योहार को बासड़ा भी कहा जाता है। तो अभी क्या है, अभी हम ये सब कुछ लेके चलते हैं मंदिर, वहां पे माथा टेकेंगे और वहां का आपको पूरा नजारा दिखाएंगे कैसा रहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम शीतला माता जी के जिस मंदिर में जा रहे हैं वो पटियाला के सील गांव में है। पहुंचने से पहले ही दूर से ही हमें मंदिर के दर्शन हुए और मंदिर लाइटों से इतना प्यारा सजा हुआ था जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। माता के प्रसाद को घर के सभी बच्चों के सर से 7 बार वारने के बाद ही मंदिर में चढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों की उम्र लंबी हो और वो स्वस्थ रहे। मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ी मार्केट लगी हुई थी जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि वहां खाने पीने की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें, खिलौनों की दुकानें और भी बहुत दुकानें थी जिनकी रंग बिरंगी लाइटों से मार्केट सजी हुई थी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ घर से लाई हुई कच्ची लस्सी को डालकर प्रवेश किया जाता है। लड़के के जन्म पर लड़के के गले में जो कंडा डाला जाता है, उस कंडे को इस दिन शीतला माता जी के त्योहार पर माता के चरणों में चढ़ाया जाता है। इस दिन माता के मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। हम लोग सुबह 2 बजे मंदिर पहुंचे थे, फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमें माता जी के द्वार तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लगा, पर आखिरकार हम लोग माता जी के द्वार तक पहुंच ही गए। तो आइए दोस्तों, आपको भी माता शीतला जी के दर्शन कराते हैं। माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर आए तो हमने देखा कि ढोल वाला ढोल बजा रहा था, तो हमने भी ढोल पर थोड़ा सा डांस किया, बहुत ही मजा आया।
मंदिर में बहुत ऊंचा एक माता का त्रिशूल भी था जिसकी लोग परिक्रमा करके अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर के अंदर ही बाबा फरीद जी का मंदिर भी था, हमने वहां पर भी माथा टेका। यहां पर माता शीतला जी का, माता बसंती जी का और माता शैदला जी का थंब बना हुआ है। यहां पर लोग प्रसाद चढ़ा के पूजा करते हैं। और ये वो जगह है जहां लोग लड़का होने पर उसकी लंबी उम्र और उसकी तंदुरुस्ती के लिए खुद एक थंब बना कर जाते हैं। माता के दर्शन करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और रात को यहीं पर आराम करके फिर सुबह माता के मंदिर में माथा टेकते हैं। माता शीतला जी के मंदिर में माथा टेकने के बाद फिर हमने माता शीतला जी के मंदिर के सामने ही माता बसंती जी के मंदिर में माथा टेका और माता बसंती जी का भी आशीर्वाद लिया। तो आइए आप लोगों को भी माता बसंती जी के दर्शन करवाते हैं। आखिर में हम लोग मंदिर के बाहर लगी हुई बड़ी मार्केट में घूमे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मार्केट और भी बड़ी और सुंदर दिख रही थी, जहां बहुत सारी खिलौनों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, घर के सामान की दुकानें, चश्मों की दुकानें और कॉस्मेटिक की दुकानें थी। यहां से हम लोगों ने ध्रुमिल और हार्दिक के लिए खिलौने खरीदे और लेडीज ने अपने लिए सुहाग का सामान खरीदा। तो गाइस ये था माता शीतला जी के मंदिर और त्योहार का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।